मैं नितेश अग्रवाल अन्नपूर्णा स्कूल के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूँ। आज हम सीखेंगे वर्ग ज्ञात करना कि वर्ग कैसे ज्ञात करते हैं आसान तरीके से। तो आइए बोलते हैं वर्ग ज्ञात करना। मैं आपको यहाँ पर सिखाऊंगा एक से लेकर नन्यानवे का वर्ग कैसे निकालना है। जैसे एक से लेकर दस तक नॉर्मली सबको याद होते हैं, लेकिन आज मैं सिंपल तरीके से सबसे पहले बात करते हैं जिस भी डिजिट के पीछे पांच है उसका वर्ग कैसे निकालते हैं। जैसे 0 5 इसका वर्ग 15 का वर्ग, 25 का वर्ग, 35 का वर्ग, जिस भी डिजिट के पीछे 5 है उसका वर्ग किस तरीके से आप निकाल सकते हो आसान तरीके से बिल्कुल कुछ सेकंड में। जैसे 35 का वर्ग है एग्जांपल, 35 का वर्ग निकालना है आपको, तो आप जानते हो कि 5 का वर्ग जो होता है 25 होता है। इसी तरह जैसे आप किसी भी और डिजिट जैसे 75 का वर्ग निकालना है, 75 का वर्ग निकालना है तो 75 के वर्ग के लिए 5 का वर्ग कितना हो जाएगा आपका 25, 5 का वर्ग कितना हो जाएगा आपका 25। आगे कौन बच गया 7, 7 के बाद कौन आता है 8, 7 को 8 से मल्टीप्लाई करोगे कितना हो जाएगा 56, आपका इसका वर्ग कितना हो जाएगा 5625। ये ट्रिक उनके लिए जिस डिजिट के पीछे 5 मिले जाए, 5 का वर्ग 25 कर दो, आगे जो डिजिट है उससे एक ज्यादा से मल्टीप्लाई कर दो, आपका वर्ग आसान तरीके से निकल के आ जाएगा। अब हम बात करते हैं दूसरी डिजिट की, दूसरी डिजिट का वर्ग कैसे निकाले। सपोज करो आपको 46 का वर्ग निकालना है, तो 46 का वर्ग निकालने के लिए आप क्या करो, जो भी संख्या है उसको जिसके वर्ग है उसको आपस में मल्टीप्लाई कर दो और उसको मल्टीप्लाई कर दो किससे 2 से, 6 24, 24 को 2 से मल्टीप्लाई किया 48, अभी 47 को रखा गया था। अब 4 का वर्ग अपना कितना होता है 16, 6 का वर्ग कितना होता है 36। अब ये जो 48 का हमारा इसको पीछे से एक डिजिट छोड़कर इसमें हम क्या कर देंगे जोड़ देंगे, 6 से कैसे आ जाएगा 8 3 11 हो जाएगा, पावर 1 हो जाएगी, 6 4 10 11 के 8 से गए 1 और 2, आपका इसका वर्ग कितना हो जाएगा 2116। ध्यान रखिए कि जिस भी संख्या का अलग अलग वर्ग निकालते हैं वो 2 डिजिट में होना चाहिए। एग्जाम्पल को जैसे आप वर्ग निकाल लो 36 का वर्ग, या मान के चलो आप 63 का वर्ग निकालना है आपको, तो आप क्या करोगे 6 × 3 इसको मल्टीप्लाई कर दोगे किससे 2 से, किससे मल्टीप्लाई कर दोगे आप 2 से, 6 × 3 से मल्टीप्लाई किया 18, 18 को 2 से मल्टीप्लाई किया कितना हो गया 36। अब इसको रखा रहने दो, अब हम अलग डिजिट का वर्ग करते हैं, 6 का स्क्वायर कितना होता है 36, 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, लेकिन 9 एक अंक में तो हम इसको 09 लिख सकते हैं, मैंने बोला है 2 डिजिट में आना चाहिए तो 09 लिख देंगे। अब ये जो हमारा पास 36 का पीछे से एक डिजिट छोड़कर हम इसमें ऐड कर देंगे 9 6 9 3, इसका वर्ग कितना हो जाएगा 39 69। इसी तरह से हम 1 से लेकर 99 तक किसी भी संख्या का वर्ग निकाल सकते हैं। ठीक है, धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिए।